हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल विद ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जो आर्म्स हैं फैट है या फिर आपका जो अपर एरिया है वो ज्यादा ब्रॉड है तो आप कैसे ब्लाउजेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ब्लाउजेज बनवा सकते हैं जिससे आपका लुक जो है वो थोड़ा सा स्लिम दिखे। तो वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरे जो आर्म्स है ना वो काफी ज्यादा मोटे हैं, इसके लिए मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, इसके लिए मैं ऐसा नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं वैसा नहीं पहनती हूँ। बट जरूरी नहीं है कि आप कुछ पहन नहीं सकते हो, आप पहन सकते हो, बस उसे थोड़ा सा आपको उसमें देखना होगा, उसके पैटर्न को देखना होगा, बस उसके बाद आप उसे आराम से पहन सकते हो। जैसे कि अगर आपके आर्म्स जो है मोटे हैं, आर्म्स फैट है, तो फिर आप जो है स्लीवलेस नहीं पहन सकते हो, ऐसा नहीं है, आप स्लीवलेस पहन सकते हो। बट स्लीवलेस में आप ये देख लो कि आपके स्लीव्स की जो ये आपके शोल्डर की पट्टी है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है और बहुत ज्यादा थिन भी ना हो, बिल्कुल मीडियम, लगभग आप इसे 1.5 से 2 इंच की रख सकते हो। एंड दूसरी चीज, उसका जो कटआउट है वो बहुत ज्यादा, जैसे अभी जो मैंने पहना हुआ है ये तो मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है, आप क्रॉप टॉप भी ले सकते हो, बट अगर आप ब्लाउज बनवा रहे हो तो उसके लिए है कि तो जैसे अभी मैंने पहना हुआ है तो इसका जो कटआउट है वो काफी इधर से है, तो आप ये देख लो कि उसका जो कटआउट बहुत ज्यादा अंदर की तरफ ना हो, हॉल्टर नेक स्टाइल में उसका लुक ना आ रहा हो, एंड उसका जो शोल्डर की पट्टी हो वो बिल्कुल बाहर की तरफ हो, बहुत अंदर की तरफ ना हो। तो आप ट्राई करो आपके शोल्डर की जो पट्टी है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ हो। दूसरी चीज, अगर आप स्लीव्स बनवा रहे हो तो आप उसमें फुल स्लीव्स बनवा सकते हो। फुल स्लीव्स में क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा स्किन भी शो नहीं होगी और आपकी जो फैट होगा आर्म्स का वो भी नहीं दिखेगा, तो आप फुल स्लीव्स भी बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फुल स्लीव में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप इसके लिए स्ट्रेचेबल मटेरियल भी ले सकते हो या फिर क्रॉप टॉप भी ले सकते हो, बट क्रॉप टॉप उतना अच्छा नहीं लगता, अगर बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि जो वैसे क्रॉप फुल स्लीव वाले क्रॉप टॉप आते हैं ना उनके स्लीव जो होती है कभी कभी लूज भी होती है, बहुत कम ही ऐसे क्रॉप टॉप मिल जाते हैं जो बिल्कुल फिटिंग के स्लीव के साथ मिलते हैं, एंड वो पहनने के बाद ना वो बाद में लूज हो जाती है, पहले तो फिट रहती है लेकिन बाद में लूज हो जाती है, तो वो चीजें थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप ब्लाउज बनवा रहे हो तो आप आराम से फुल स्लीव बनवा सकते हो। इसके अलावा आप ये ध्यान रखो कि आप ब्लाउज में बहुत ज्यादा डिजाइनिंग मत करवाओ, जैसे बहुत लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कोल्ड शोल्डर या फिर कुछ डिजाइनिंग वगैरह करवा लेते हैं, तो वो डिजाइनिंग ना करवा के आप सिंपल ब्लाउज की जो स्लीव्स है उसे रख सकते हो। इसके अलावा आप एल्बो स्लीव्स भी पहन सकते हो, एल्बो स्लीव्स में भी जो आपके आर्म्स के फैट होते हैं वो छुप जाते हैं, और जो मिड लेंथ स्लीव्स होती है ना जो बिल्कुल यहाँ से होती है, इस तरीके की स्लीव्स को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्लीव्स होती है ना इसमें यहाँ से बिल्कुल जब ये टाइट हो जाता है तो यहाँ से आपके जो फैट होते हैं वो ज्यादा दिखते हैं। तो इसमें आप ट्राई करो कि आपके जो मिड लेंथ की स्लीव्स होती है ना इन्हें आप अवॉइड करके आप एल्बो तक की स्लीव्स को पहन सकते हो। इसके अलावा जो स्लीव्स पे बहुत ज्यादा वर्क वगैरह ना हो एंड बहुत चौड़े ऐसे बॉर्डर वगैरह लगे होते हैं ना स्लीव्स पे, इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो कि बहुत चौड़े बॉर्डर वाले एंड बहुत ही ज्यादा हैवी वर्क वाले जो ब्लाउजेज होते हैं इन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा काफी लोगों के ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आर्म फैट तो होता ही है, बस्ट एरिया भी काफी हैवी होता है, वो लोग भी ब्लाउजेज के लिए बहुत सोचते हैं मतलब क्या पहने क्या नहीं। तो अगर आपका बस्ट एरिया काफी ज्यादा हैवी है ना तो उसके लिए आप नेकलाइन ऐसी चूज करो जिससे आपका लुक जो है वो थोड़ा सा स्लिमर लगे। जैसे आप हाईनेक ब्लाउजेस को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका ये पूरा यहाँ से बंद होता है तो आपका बस्ट एरिया काफी ज्यादा हेवी दिखता है। इसकी जगह पे आप वी नेक को ट्राई कर सकते हो। वी नेक में क्या होता है, आपका जो नेक का एरिया होता है वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जिससे आपका नेक का एरिया काफी ज्यादा लंबा लगता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो बस्ट एरिया उस पर उतना ध्यान नहीं जाता और उसका लुक भी काफी स्लिम आता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। बाकी चीजें तो हम कम नहीं कर सकते हैं बट हम अपने आउटफिट में एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जिससे सामने वाले को देखने में ऐसा कुछ लगे नहीं। वे नेक ट्राई कर सकते हो, स्वीट हार्ट नेक ट्राई कर सकते हो, इन नेक में आपका जो बस्ट एरिया होता है बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता है। राउंड नेक आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो बट राउंड नेक में आप थोड़ा डीप नेक के साथ जा सकते हो, जैसे कि बोट नेक आता है, बोट नेक को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि बोट नेक में एक तो आपका ये पूरा बंद रहेगा और इससे क्या होता है कि आपका जो बस्ट एरिया वो भी काफी हैवी लगेगा,
एंड अगर आपके शोल्डर ब्रॉड है ना तो आप स्क्वायर नेक को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर नेक बनाते हैं ना उसमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारा शोल्डर जो ब्रॉड है वो और ज्यादा ब्रॉड दिखता है। तो अगर आपके शोल्डर ऑलरेडी ब्रॉड है तो आप जो है स्क्वायर नेक को अवॉइड कर सकते हो, आप जो है बोट नेक को अवॉइड कर सकते हो। हॉल्टर नेक जो होता है ये अगर आपके शोल्डर चौड़े हैं, आपके आर्म्स में फैट नहीं है तो आप हॉल्टर नेक ट्राई कर सकते हो, कि जैसे अगर आपका शोल्डर काफी ज्यादा चौड़ा है तो हॉल्टर नेक जो होता है वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे आपके शोल्डर जो है पतले दिखते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें कवर की है, एक तो अगर आपके शोल्डर ब्रॉड हो, दूसरा आपके हैवी बस्ट हो, तो आर्म का जो फैट हो, ये सारी चीजें हमने कवर की है। एंड नेक्स्ट जो है ना कि आप ब्लाउजेज में बहुत ज्यादा वर्क ना करवाओ। मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ सब में ये बात जरूर बताती हूँ कि आप अपने ब्लाउजेज में बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना करवाएं, ब्लाउजेज को सिंपल रखें। जितना सिंपल ब्लाउज होगा ना वो उतना अच्छा ही लुक आएगा उसका, क्योंकि सिंपल ब्लाउजेज के जो लुक होते हैं ना वो साड़ियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा क्रॉप टॉप ट्राई कर सकते हो। अभी जो मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ है ना ये मुझे साड़ियों के साथ काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो बिल्कुल टी शर्ट वाला जो मटेरियल होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, का मटेरियल थोड़ा सा अलग है, इसकी वजह से ये मुझे काफी अच्छा लगता है। तो आप ये क्रॉप टॉप अगर ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें तो राउंड नेक नहीं है, ये थोड़ा सा स्वेट हार्ट नेक है एंड इसका लुक भी काफी अच्छा आता है। आप इन्हें अपनी किसी भी साड़ियों के साथ में पहन सकते हो, जैसे अभी मैंने बनारसी साड़ी के साथ में पहना हुआ है। इसका इसके अलावा जो है आप अभी बहुत तरीके की स्लीव्स चलती हैं, इसमें स्लीव्स में जैसे पफ स्लीव्स होती हैं, आप पफ स्लीव ट्राई कर सकते हो। अगर आपका आर्म फैट है लेकिन आपके शोल्डर ब्रॉड नहीं है तो आप पफ स्लीव ट्राई कर सकते हो। इसमें आपके जो फैट होते हैं ये छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैदर इकट्ठा होते हैं एंड बाकी पूरी स्लीव जो है वो हमारी फिटेड आती है, तो इससे आपके जो फैट होते हैं वो छुप जाते हैं। तो आप इस तरीके की स्लीव को भी ट्राई कर सकते हो, बटरफ्लाई स्लीव्स को भी ट्राई कर सकते हो, इसमें भी आपके आर्म्स के फैट छुप जाएंगे। तो आर्म्स के फैट को छुपाने के लिए आप इस तरीके के ब्लाउज को ट्राई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक लेते केयर, बाय बाय।